सिवान में शादी समारोह में आई हाथी सनकी, गांव में मच गया अफरा तफरी। बिहार के सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामापाली गांव में बारात में आई हाथी अचानक महावत को छोड़कर उत्पात मचाने लगी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताते चले कि 9 फरवरी को रामापाली गांव में एक बारात आया हुआ था, जिसमें घोड़ा हाथी ऊंट आए हुए थे। वहीं अचानक बारात लगने के बाद अचानक हाथी उत्पात मचाना शुरू कर दी, वहीं लोगों की फसल बर्बाद करने लगी। उत्पात मचाने के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं कहीं महावत के आने के बाद हाथी काबू में पाया गया, फिलहाल हाथी को बांधा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हाथी जमकर दहाड़ते हुए नजर आ रही है। हाथी को जिस बारात में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, वहीं हाथी बारात लगने से पहले ही घर के सामने अचानक भड़क गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बारात के दिन से ही हाथी गुस्से से लाल है, वहीं गजराज का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। गजराज का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गजराज ने 2 दिन के अंदर फसल को खराब और महावत को मारने का प्रयास किया, हालांकि वो किसी तरह से जान बचाकर भागा। संयोग अच्छा था कि आसपास के लोग गजराज के गुस्से का शिकार होने से बच गए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। सनके हाथी के इस उत्पात से आसपास के इलाके में दहशत कायम है। खेतों के रास्ते लोग आवाजाही कर रहे हैं। सनकी हाथी को काबू में करने के लिए जिले के अन्य हाथियों के महावतों को बुलाया जा रहा है, लेकिन तब भी हाथी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। काफी मशक्कत के बाद कुछ महतों द्वारा उस हाथी को रस्सी से बांधा गया, और ऐसा बताया जा रहा है कि हाथी को अगर रस्सी से खोला गया तो इसका गुस्सा बढ़ सकता है। वहीं फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि हाथी काबू में आ गई है और लोगों ने अब चैन की सांस ली।